गुड मॉर्निंग क्लास। सो यस्टरडे वी स्टडीड द टॉपिक एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल इज ऑलमोस्ट सेम एज दिस टॉपिक। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक प्रॉपरली देन यू कैन अंडरस्टैंड द नेक्स्ट टॉपिक इजीली। सो फर्स्ट यू शुड रिकॉल दिस टॉपिक। वॉट इज देयर इन दिस टॉपिक? एक्सेस प्रेशर क्या होता है, क्यों होता है लिक्विड ड्रॉप के अंदर? तो सबसे पहले जो लिक्विड ड्रॉप है, और एक बार आप प्रीवियस टॉपिक को रिकॉल कर लिया करिए सेल्फ नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिलेटेड हैं नेक्स्ट टॉपिक से। तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट था एक्सेस प्रेशर, तो एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है कि जो ये लिक्विड ड्रॉप है इसके अंदर लिक्विड फिल्ड है, और उस फिल्ड लिक्विड की वजह से इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रेशर है। और वो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? बिकॉज ऑन दिस लिक्विड ड्रॉप टू एक्सटर्नल प्रेशर्स आर एक्टिंग, और वो इसके साइज को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, इस पर इनवर्ड्स लग रहे हैं। कौन कौन से वो फोर्सेज या प्रेशर हैं? सो फर्स्ट वन इज़ सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से इसका सरफेस एरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा। और दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दोनों ही इन्वर्स लग रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपना जो शेप है वो मेंटेन रखती है, एरिया मेंटेन रखती है। इट मींस इट हैज़ सम एक्स्ट्रा प्रेशर। और हर एक चीज़ जो भी स्फेरिकल है, सोप बबल हो, लिक्विड ड्रॉप हो, सबके पास एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर होता है। तो इसकी जो नेसेसरी कंडीशंस थी, इसका जो एक्सप्लेनेशन था, ये जो सारी चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट वाली, ये हमें एक्सप्लेनेशन में लिखनी पड़ेंगी। और दूसरी बात ये है कि इसका जो रिलेशन आया था एक्सेस प्रेशर का, दैट वाज पी इज़ इक्वल टू 2σ/r। तो यहाँ पर इसी डेरिवेशन में हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम विल बी सेम, डायग्राम में कोई चेंज नहीं होगा। यही डायग्राम आप बनाएंगे, चाहे हेडिंग एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप हो या फिर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल हो, नो सेपरेट डायग्राम इज देयर। उस कंडीशन में भी आप यही बताएंगे कि इट हैज़ रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन सिग्मा। एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपने यहाँ लिखा है ऑल द थिंग्स यू विल राइट, बस आप जहाँ पर लिक्विड ड्रॉप वर्ड आ रहा है उसको सोप बबल से रिप्लेस कर देंगे। और एक स्टेप में चेंज है, दैट आई एम टेलिंग फ्रॉम द सेम डेरिवेशन, इसी डेरिवेशन में कहाँ पर चेंज होगा और क्या चेंज आएगा फॉर्मूले में, दैट आई टेल यू। और उसके बाद जो सेपरेट डेरिवेशन है वो भी मैं बता दूंगी। बट आपको अगर एक डेरिवेशन करना आ गया तो नेक्स्ट यू कैन डू योर सेल्फ। तो सबसे पहले अगर हम इसको रिकॉल करें, तो इसमें देखा था आपने कि लेट और कंसीडर अ लिक्विड ड्रॉप की जगह आप क्या करेंगे, सोप बबल। बहुत ईजी मैथड है, सोप बबल ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन सिग्मा। Then, due to surface tension, the molecules on the surface film experience a net inward force and more pressure. There is more pressure inside than outside. Okay. उसके बाद वही दो pressures जो आपने assume किए थे, PI inside pressure है और PU outside pressure है। Excess या extra pressure कितना हुआ? Inside minus outside. Extra pressure की वजह से क्या होता है? जहाँ आपने लिखा है लिक्विड ड्रॉप, बिल्कुल सारी चीज़ें सेम हैं। सोप बबल, द फ्री सरफेस ऑफ द बबल विल एक्सपीरियंस द नेट फोर्स इन आउटवर्ड डायरेक्शन, थोड़ा सा जो है वो एक्सपेंशन हो जाता है एक्सेस प्रेशर की वजह से। तो जो एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब उसमें क्या हो रहा है, वर्क। कितना एक्सपेंशन हो रहा है? डी आर डिस्टेंस या डी आर रेडियस इंक्रीज हो जा रही है। तो इसका मतलब वर्क डन कर रहा है जो सोप बबल है या लिक्विड ड्रॉप है। तो वर्क कितना हो रहा है, उसके लिए वर्क का रिलेशन था। आप चाहें तो यहाँ डी डब्ल्यू ना लिखें और सिंपली डब्ल्यू लिख दें। तो डब्ल्यू कितना वर्क डन हो रहा है, तो डब्ल्यू का बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है डी आर। फोर्स को, क्योंकि प्रेशर, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो फोर्स को हम किस में ब्रेक कर लेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। एरिया इनिशियल कितना है, 4πr² इक्वेशन नंबर वन, सब कुछ एज इट इज़ है। दूसरा वर्क डन हम कहाँ से लेकर आते हैं, जो हमने रिलेशन लिखा था, जो ड्राइव किया था हमने, जो आपका था
न्यूमेरिकल्स के लिए W इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा ए। तो आपको याद होगा कि यहाँ पर सबसे पहले इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी ये सब लिख सकते हैं, लेकिन और इजी बनाने के लिए डेरिवेशन को एक क्वेश्चन वन के बाद में डायरेक्ट मैंने कहा था आप लिखिएगा एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट के बाद W का सीधा दूसरा रिलेशन आप लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डेल्टा ए। ठीक है, सिंपली ये सब इस सबको हटा दीजिए, इससे रिप्लेस कर देते हैं। अब W का जो दूसरा रिलेशन है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सिग्मा को यहाँ टी लिख रखा है, डेल्टा ए का मतलब होता है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो कितनी इंक्रीज हो रही है उसके लिए फाइनल सरफेस एरिया हो जाता है, डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस कितनी होगी, आर प्लस डी आर, तो फाइनल सरफेस एरिया हो गया आपका 4π आर प्लस डी आर होल स्क्वायर, और इनिशियल सरफेस एरिया कितना है 4π आर स्क्वायर। क्लियर? अब इन दोनों को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, जो रिलेशन आता है रिमेनिंग, दैट विल बी 4π और ब्रैकेट में लिखा है 2rdr। इट मींस पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आप पूरा सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, तो ये हो गया आपका 8πrdr सिग्मा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे और लास्ट में सिग्मा लिख देंगे, 8πrdr सिग्मा, ये हुई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। बस इतना चेंज करना है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 इसको ना लिखकर, इस वाले स्टेप के बाद सब कुछ हम सोप बबल करते हैं, अभी हमने कोई भी स्टेप, कोई भी वेरिएबल, किसी भी सिंबल में चेंज नहीं किया है। चेंज हमें कहाँ पर करना है, चेंज हमें करना है इस स्टेप में इक्वेशन नंबर 2 लिखने से पहले। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी सोप से बनी हुई चीज़ें आएंगी, सोप फिल्म, सोप बबल, वहाँ पर 2 फ्री सरफेसेस होती हैं। पीछे आपने सोप फिल्म स्टडी किया था, सोप फिल्म में ये सोप फिल्म थी, दोनों साइड फ्री सरफेसेस थी। अब बात आती है सोप बबल की, लिक्विड ड्रॉप के पास एक बाहर वाली सरफेस ही फ्री है क्योंकि अंदर लिक्विड फिल्ड है, सोप बबल के पास दोनों फ्री सरफेसेस हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है, ये भी फ्री सरफेस अंदर वाली, बाहर वाली भी फ्री सरफेस, तो इसका मतलब उसके पास 2 फ्री सरफेसेस हैं। तो जब आप इंक्रीज इन एरिया फाइंड करेंगे तो भी तो दोनों सरफेसेस का एरिया इंक्रीज होगा, तो हम ये क्या फाइंड कर रहे हैं, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो ये जो रिलेशन आया ये एक सरफेस के लिए आया, जब हम सोप बबल लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, ओनली दिस स्टेप इज चेंज्ड। तो आप क्या करेंगे, 8πrdr सिग्मा तक लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे इज इक्वल टू, और फिर उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे, और नीचे आप इसका रीज़न लिखेंगे बिकॉज द सोप बबल हैज़ 2 फ्री सरफेसेस। ठीक है, अब जो आपने सिंप्लीफाई किया इसको तो आया आपका 16πrdr सिग्मा, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। बस इतना चेंज है, अब आपको पता है ये 16 कर देने से, डबल कर देने से लास्ट में क्या चेंज आएगा, लास्ट वाला रिलेशन भी डबल हो जाएगा, यानी कि लास्ट में आ रहा था 2 सिग्मा अपॉन आर और इसका हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन आर, यानी कि एक्सेस प्रेशर सोप बबल के अंदर लिक्विड ड्रॉप के कंपैरिजन में डबल होता है। क्लियर? तो देखिए वही चेंज जो है जब आप लास्ट में करेंगे, फिर आप क्या करते हैं इक्वेशंस 1, 2 को कंपेयर करते हैं, तो ये तो लिक्विड ड्रॉप का था, अब वी आर कमिंग टूवर्ड्स द सोप बबल। तो एक्सप्लेनेशन की मैं यहाँ बात नहीं करूँगी बिकॉज ऑल द थिंग्स वी हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर, जिस स्टेप में मैंने चेंज किया था दैट आई एम शोइंग हियर। तो सब कुछ लिखने के बाद में पहला आपने जो वर्क डन फाइंड किया फोर्स एंड टू डिस्प्लेसमेंट से, वो तो सेम है, इक्वेशन 1 में कोई चेंज नहीं है। इक्वेशन 2 पर जब हम आए थे, ये इस स्टेप की मैं बात कर रही हूँ, तो देखिए इस स्टेप में आपका जो है वो आ गया 16πrdr सिग्मा। क्लियर? 2 × 4π × 2rdr सिग्मा। तो जैसे मैंने आपको बताया था सिंपली उस तरह से कीजिएगा ताकि आपको पता चले कैसे चेंज हुआ है। तो ये क्लियर है, इक्वेशन 2 ये होगी, फिर आप कंपेयर करेंगे 1 और 2 को और आपका रिलेशन क्या आएगा, 4 सिग्मा अपॉन आर। ओके, तो दिस इज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। तो आई थिंक नाउ ऑल द थिंग्स आर क्लियर। अगर अब पिक्चर आपको विजिबल ना हो, स्टेप्स ना दिखाई दे रहे हो, देन टेल मी, आई विल सेंड यू द PDF ऑल्सो। ओके,
तो आई होप कि बोथ द डेरिवेशंस आर क्लियर टू यू. क्वेश्चन यही आएगा कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और इनसाइड अ सोप बबल. नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वॉट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें दे रखा है कि सबसे पहले एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन से भी पहले, ये जो नीचे डायग्राम मैंने दे रखा है, यस्टरडे आई एक्सप्लेन्ड यू वन टॉपिक और वो टॉपिक में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था जो था आपका मेनिस्कस. मेनिस्कस मीन्स वर्ड कि जो सरफेस होती है, जो आपने कर्व्ड सरफेस करके टॉपिक स्टडी किया था वहाँ आपने मेनिस्कस स्टडी किया था. तो जब लिक्विड किसी कंटेनर के अंदर रखा होता है तो कंटेनर के साथ जब लिक्विड टच करता है तो वहाँ पर जो शेप बनेगा सरफेस का वो कैसा होगा, तो प्लेन आपको दिखाई देता है, दैट मे बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स ऑल्सो. किन किन केसेस में होता है, एग्जांपल्स ऑल्सो आई विल टेल यू. तो सबसे पहले ये तीन डायग्राम्स कल मैंने शो भी किए थे, वही डायग्राम्स हैं, ये थोड़ा सा चेंज है और आपको आज ये डायग्राम इसी तरह से बनाने हैं जैसे यहाँ दिखा रखे. ओके, डोंट मेक द डायग्राम लाइक यस्टरडे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की. तो देखिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है, जो सबसे पहला डायग्राम है जिसमें जो मेनिस्कस है दैट इज़ कॉनकेव. तो कॉनकेव वाले मेनिस्कस में ध्यान से देखिए कि ये लिक्विड है और ये कंटेनर की वॉल्स हैं. तो एंगल कहाँ शो किया है हमने, जो कंटेनर की वॉल है वहाँ से इस तरह का ये मेनिस्कस बन रहा है. तो यही वाला वो पोर्शन है जहाँ पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर की सॉलिड वॉल को टच कर रहे हैं. ओके, तो अगर हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट और जो कंटेनर है उसकी वॉल के बीच में बनने वाला जो एंगल है दैट इज़ थीटा. ठीक है, तो जब भी हम किसी एंगल की डेफिनेशन देते हैं तो एंगल की डेफिनेशन क्या होगी कि दिस इज़ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस साइड. हमेशा साइड्स को बताना पड़ेगा तभी हम एंगल को एक्सप्लेन कर पाएंगे. यहाँ भी वही है. तो एक साइड का तो हमें नाम पता है, दिस इज़ वॉट, ये वाली जो साइड है ये क्या है, वॉल ऑफ द कंटेनर, या फिर और बेटर बताएं तो वॉल ऑफ द कंटेनर इनसाइड लिक्विड. जो कंटेनर की वॉल है इनसाइड लिक्विड उसकी बात कर रहे हैं. और दूसरा जो है, दूसरी जो साइड है उसका नाम क्या है, टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस. लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट बना है तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड लिक्विड. ओके, तो डेफिनेशन वही है जो यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, उसी को हमें वर्ड्स में बताना है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए. तो आई होप कि ये क्लियर हो गया. पहले वाले डायग्राम में बहुत अच्छी तरह से दिखा रखा है. अब एक बार हम वर्ड्स यहाँ लिखे हैं. इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अगर ये वर्ड इंक्रीज कर देंगे देन इट विल बी मोर प्रॉपर. एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब यहाँ क्या हुआ, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस. टेंजेंट हर एक जगह पर है लेकिन जहाँ पर लिक्विड ने सॉलिड को टच किया एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट कहाँ हुआ इस जगह पे, तो मोर प्रॉपर डेफिनेशन विल बी देयर एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड. ठीक है, तो बस दोनों साइड्स के आपको क्या करना है, नाम बताना है. इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड. डेफिनेशन बताने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अब इन डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेन नहीं करना है, ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं एक्सप्लेनेशन से ही समझ में आएंगे. जो तीनों डायग्राम्स हैं वो डायग्राम्स ही बनाने और एग्जाम्पल भी लिखना. तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कॉनकेव मेनिस्कस, जो पहला वाला डायग्राम हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो लुक एट द वेरी फर्स्ट डायग्राम. अगर आप सबसे पहला डायग्राम देखें ध्यान से तो पहले डायग्राम में सोचिए कॉनकेव मेनिस्कस क्यों बना. तो कॉनकेव मेनिस्कस बनने का रीज़न इट मे बी जैसे आपका ये कंटेनर था और इस तरह से ये कॉनकेव मेनिस्कस बना. मेनिस्कस होना कैसा चाहिए था,
प्लेन, प्लेन का मतलब हम इसी पार्टिकल को कंसीडर करते हैं, तो ये दोनों साइड ऊपर जाने की जगह इस तरह का होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड की वॉल की तरफ, जो कंटेनर की वॉल है, सॉलिड वॉल है, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। अगर ये लिक्विड के पार्टिकल से अट्रैक्टेड होते तो नीचे रहते, अब ये वॉल से अट्रैक्टेड हैं तो वॉल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ओके, तो वॉल से अट्रैक्टेड हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? तो पार्टिकल्स लिक्विड के हैं और कंटेनर की वॉल किसी और मटेरियल से बनी है, फोर्स का नाम क्या होगा? एडहेसिव फोर्स। और लिक्विड लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स। ओके, तो सोचिए कौन से फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, एडहेसिव अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में, अलग अलग मटेरियल के बीच में, या कोहेसिव सेम मटेरियल के बीच में, सेम पार्टिकल्स के बीच में? तो सेम पार्टिकल्स के बीच में फोर्स तो है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है कि वो अपने पार्टिकल्स को नीचे रोक ले और कंटेनर की वॉल की तरफ ना जाने दे। तो इट मीन्स एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। इट मीन्स द लिक्विड वेट्स द सॉलिड, लिक्विड सॉलिड को वेट कर सकता है। दो चीज़ें माइंड में रखिए, सबसे पहले एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, दूसरी चीज़ अगर ऐसा होगा कभी भी तो लिक्विड सॉलिड को वेट कर सकता है, ऐसी सिचुएशन होगी। ठीक है, तीसरी बात, मेनिस्कस कैसा होगा? कॉनकेव। इस कंडीशन में मेनिस्कस कैसा है? कॉनकेव। चौथी बात, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, इस कंडीशन में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा बनेगा? तो आप देख रहे हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 है, क्या बोलेंगे? एक्यूट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90 और एक्यूट। ओके, अब आती है एग्जाम्पल की बात कि एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन सा है। तो प्रैक्टिकली कौन सा कंटेनर किस चीज़ से बना, किस मटेरियल से बना, और कौन सा लिक्विड ऐसा मेनिस्कस बनाएंगे, तो वो एग्जाम्पल है आपका। रिमेंबर दिस ऑल्सो बिकॉज इट इज़ नॉट रिटन देयर, यू कैन राइट इट। इसका एग्जाम्पल है आपका वाटर, जो लिक्विड है वो वाटर है, जो कंटेनर का मटेरियल है वो है ग्लास। ग्लास और वाटर को आप रखेंगे, ग्लास के कंटेनर में वाटर को पोर करिए, मेनिस्कस आपको प्लेन ही दिखाई देगा, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं या बहुत प्रॉपरली देखेंगे साइड्स पे, तो आपको मेनिस्कस थोड़ा सा इस तरह का दिखाई देगा कि ये जो प्लेन है वो प्लेन ना होकर एक्चुअली ऐसा है, थोड़ा सा आपको हो सकता है कर्व दिखाई दे। तो दिस इज़ द केस। ओके, तो अब मुझे लगता है बाकी डायग्राम्स आपको समझना इजी होंगे। दूसरा डायग्राम ये है, अब क्या है कि मेनिस्कस कैसा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मेनिस्कस का मतलब हुआ वही चार बातें जो मैंने आपको बताई कि मेनिस्कस होना कैसा चाहिए था, अगर हम पार्टिकल को कंपेयर करें ऐसा प्लेन, लेकिन पार्टिकल्स जो हैं वो वॉल की तरफ नहीं जा रहे हैं बल्कि अपने लिक्विड के पार्टिकल्स की तरफ नीचे जा रहे हैं। इसका मतलब उनके बीच अट्रैक्शन, जो अलग अलग मटेरियल हैं वो कम है और सेम मटेरियल के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसका मतलब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, एडहेसिव फोर्स कम है। तो छोटा सा यहाँ सिंबल बना भी है, कोहेसिव फोर्स इज मोर ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, पहली बात। दूसरी बात कि इस कंडीशन में जो लिक्विड है वो सॉलिड को वेट नहीं कर रहा है बल्कि उससे दूर जा रहा है। ठीक है, थर्ड थिंग आई आपकी कि मेनिस्कस कैसा होगा इस सिचुएशन में? कॉन्वेक्स। ओके, और फोर्थ जो है वो आपका ये आएगा कि एंगल कैसा बनेगा। तो एंगल यहाँ आपका मोर देन 90 बन रहा है। तो मोर देन 90 कैसे दिखाई दे रहा, ऑब्जर्व कहाँ से करेंगे एक बार देख लीजिए, ये है मोर देन 90। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। और अब बात आती है एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल कौन सा होगा इसका? इसका एग्जाम्पल है ग्लास वेसल और मरकरी लिक्विड। मरकरी को ग्लास में डालेंगे तो ऐसा वाला शेप बनेगा। ओके, और थर्ड जो आपका डायग्राम है प्लेन, तो प्लेन मेनिस्कस कब बनता है? प्लेन मेनिस्कस में सारी चीज़ें ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड हैं कि एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस बराबर हैं, एंगल 90 है, लिक्विड सॉलिड को वेट कर भी रहा है लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उससे दूर जा रहा है। तो
ये सब इसमें एक्सप्लेन नहीं करना है। एंगल 90 का होता है, और एग्जांपल कौन सा है प्रैक्टिकल, वो है प्योर वाटर एंड ग्लास वेसल। प्योर वाटर जो है वो अगर ग्लास के वेसल में लेंगे तब 90 का बनेगा, और अगर नॉर्मल वाटर है कोई भी है तो वो कॉनकेव मेनिस्कस बनाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए, यहाँ लिखी है एग्जांपल में एडहेसिव कोहेसिव फोर्स कॉनकेव मेनिस्कस, मैंने डायरेक्ट लिखा है, मगर कॉन्सेप्ट में अगर आ जाती हैं ये सारी बातें तो आपको पता होना चाहिए एक्सप्लेन कैसे करना है। ओके, सो नाउ इट्स ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।